हेलो फ्रेंड, स्वागत एक बार फिर आपका हमारे चैनल मैसान स्टार्टस में। और व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक्शन स्टार एक्टर विद्युत जम्वाल की अपकमिंग मूवीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। व्यूअर, विद्युत जम्वाल जो कि कमांडो सीरीज और उसके अलावा फोर्स मूवी में अपनी दमदार बॉडी और उसके अलावा फुल एक्शन के साथ दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना चुके हैं, और दर्शक और खास तौर पर विद्युत जम्वाल के फैन उनकी अपकमिंग मूवीज के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं और काफी सारी रिक्वेस्ट हमारे चैनल पर आई हैं विद्युत जम्वाल की अपकमिंग मूवीज के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम विद्युत जम्वाल की 6 बड़ी अपकमिंग मूवीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो आपने इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है। तो चलिए व्यूअर, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो यार, विद्युत जम्वाल की सबसे पहले आने वाली फिल्म का नाम है कमांडो 4। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कमांडो सीरीज की हर मूवी में मेन कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखाई देते हैं विद्युत जम्वाल, और कमांडो 4 का भी हिस्सा बनने वाले हैं और उनका साथ इस फिल्म में देंगी अदा शर्मा। कमांडो 4 ये तमाम कमांडो सीरीज की मूवीज की तरह एक फुल एक्शन थ्रिल मूवी होने जा रही है, और ये फिल्म आपको 2022 में थिएटर्स पर देखने को मिल सकेगी। और व्यूअर, विद्युत जम्वाल की सेकंड अपकमिंग मूवी का नाम है खुदा हाफिज चैप्टर 2। व्यूअर, खुदा हाफिज के पहले पार्ट में बड़ी दमदार एक्टिंग और साथ ही साथ फुल एक्शन करते हुए दिखाई दिए थे विद्युत जम्वाल, और इस बार खुदा हाफिज के चैप्टर 2 में भी वो दिखाई देंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे फर्रुख कबीर, और फिल्म की लीड कास्ट के लिए विद्युत जम्वाल और शिवलीखा ओबराय के नाम लिए गए हैं। और खुदा हाफिज चैप्टर 2 भी एक फुल एक्शन ड्रामा मूवी होने जा रही है, और ये फिल्म भी आपको 2022 में देखने को मिल सकती है। और व्यूअर, विद्युत जम्वाल की तीसरी बड़ी अपकमिंग मूवी हो सकती है वॉर 2। वॉर सीरीज की पहली मूवी को डायरेक्ट किया था सिद्धार्थ आनंद ने, और इस फिल्म की लीड कास्ट में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ शामिल थे। और वॉर 2 की भी बातें हो रही है, और कहा जा रहा है कि ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के मुकाबले में नेगेटिव कैरेक्टर में विद्युत जम्वाल दिखाई दे सकते हैं। वॉर 2 भी एक फुल एक्शन थ्रिल ड्रामा मूवी होगी, और ये फिल्म 2023 तक आप व्यूअर्स को देखने को मिल सकेगी। और व्यूअर, डिज्नी प्लस हॉटस्टार की नेक्स्ट अनटाइटल मूवी जिसके लिए विद्युत जम्वाल का नाम लिया गया है। विद्युत जम्वाल के एक्शन को देखते हुए डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने एक फुल एक्शन ड्रामा मूवी विद्युत जम्वाल के साथ बनाने का प्लान बनाया है, और इस फिल्म की शूटिंग 2021-2022 में होगी, और 2023 तक ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के जरिए इस फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की जा सकेगी। और व्यूअर, विद्युत जम्वाल की पांचवी बड़ी अपकमिंग मूवी हो सकती है फोर्स 3। फोर्स सीरीज के पहले पार्ट का हिस्सा थे विद्युत जम्वाल, और जॉन अब्राहम के मुकाबले में उन्होंने बड़ी दमदार एक्शन और एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए थे। फोर्स 2 का हिस्सा नहीं थे विद्युत जम्वाल, और अब फोर्स 3 के लिए कहा जा रहा है कि इस फिल्म में बड़े किरदार में दिखाई दे सकते हैं विद्युत जम्वाल। फोर्स 3 को डायरेक्ट करेंगे अभिनय देव, और फिल्म की लीड कास्ट के लिए जॉन अब्राहम और विद्युत जम्वाल के नाम लिए जा रहे हैं। और फोर्स मूवी की तरफ ये फुल एक्शन थ्रिल ड्रामा मूवी होगी, और ये फिल्म आपको 2023 तक थिएटर्स पर देखने को मिल सकेगी। और व्यूअर, विद्युत जम्वाल की छठी अपकमिंग मूवी हो सकती है रेनबो पार्ट 1। ये एक बहुत बड़े बजट पर बनाई जाने वाली फुल एक्शन पैक मूवी हो सकती है। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद, और फिल्म की लीड कास्ट में मेन कैरेक्टर यानी रेनबो का किरदार प्ले करेंगे टाइगर श्रॉफ, और उनके मुकाबले में कहा जा रहा है कि बॉबी देओल और विद्युत जम्वाल नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाई दे सकेंगे। और ये एक फुल एक्शन थ्रिल ड्रामा मूवी होने जा रही है, और ये फिल्म भी 2023-2024 तक आप व्यूअर्स को थिएटर्स पर देखने को मिल सकेगी। तो व्यूअर, ये थी विद्युत जम्वाल की 6 बड़ी हाई बजट एक्शन पैक मूवीज की डिटेल। तो विद्युत जम्वाल की इन 6 अपकमिंग मूवीज में आपको सबसे ज्यादा शिद्दत से किन किन मूवीज का इंतजार है, कॉमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवीज के नाम मेंशन करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड, ऐसा हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल मैसान स्टार्टर्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।